एक समय में एक बहुत बड़े राजा थे, उस समय जूते नहीं चलते थे। राजा की बहुत प्यारी सी बिटिया थी, वो राजकुमारी बहुत कोमल थी। थोड़ी बड़ी हुई तो उसने जिद की कि मुझे शहर में घूमना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे राज्य में घूमना है। तो पिता ने लाख मना किया कि तू बहुत कोमल है, तू बाहर जाएगी तो तुझे बहुत दर्द होगा, तेरे पाँव में छाले पड़ जाएंगे। तो पिता ने मना किया लेकिन वो मानी नहीं। तो पिता ने क्या किया, मंत्रियों को बुलाया, सबको बुलाया और कहा कि जितनी भी सड़कें हैं उसमें चमड़े की सड़कें बना दो। राज्य में जितनी भी सड़कें हैं उसको क्या करो, चमड़े की सड़कें बना दो, ताकि मेरी बिटिया जब जाए तो उसके पैर में छाले न पड़े, उसको तकलीफ ना हो। तो एक बहुत छोटा सा, एक अदना सा, गरीब सा किसान था, उसने जब ये राजा की ये बात सुनी तो उसने अपना सिर पीटा। वो राजा के पास गया दरबानों को हाथ जोड़ के और बोला, महाराज एक ऐसा यत्न बताऊं जिससे आपको इतना सब कुछ न करना पड़े। बोले, बता। बोले, एक चमड़े की सड़क बनाने से अच्छा है एक चमड़े के छोटे छोटे जूते बना दो, जो अपनी बिटिया को पहना दो, वो किसी भी सड़क पर जाएगी तो उसे तकलीफ नहीं होगी। तो ऐसे जूतों का आविष्कार हुआ, फिर लोग ऐसे जूते पहनने लगे।